सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशा है। मैं भारत में एक गांव में रहती हूँ। क्या आप लोग हमारे जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बात करने में मेरा साथ देंगे? मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे गांव के बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ कि हम सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है। हम सबके जीवन के अनुभव बहुत अलग होते हैं, चाहे हम एक ही परिवार, एक ही जाति या एक ही गांव से क्यों ना हो। जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि जिंदगी को पूरी क्षमता से जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और हिंसा मुक्त जीवन। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा शायद इन सभी की नींव है। शिक्षा से व्यक्ति को जीवन में उन्नति करने के अधिक अवसर मिलते हैं। मैं भी इसी कारण से शिक्षक बनने का लक्ष्य पूरा कर पाई। शिक्षा ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। सभी बड़े और छोटे मुद्दों पर अब मेरी राय का सम्मान किया जाता है। मगर केवल शिक्षा ही हमें जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं बनाती है। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य होने व जरूरी सेवाओं के मिलने से ही हम ठीक से काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। हम अपने बच्चों से लड़का या लड़की होने के कारण या लोगों की जाति के आधार पर उनसे असमान व्यवहार नहीं कर सकते। और हिंसा मुक्त जीवन का अर्थ है कि हम अपने घर पर खुश और सुरक्षित रह सके। ये कुछ अधिकारों के उदाहरण हैं जो कि मानव होने के नाते हमें मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हर किसी को आसानी से नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत अधिकार है और कुछ लोग इनसे बिल्कुल ही वंचित हैं। आपने शायद इन मानव अधिकारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं पर हस्ताक्षर करके इन अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया है? इसके अलावा पिछले कुछ सालों में मैंने हमारे कई भाई बहनों की अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानियां सुनी हैं। बहुत बार हमें अपने घरों में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया हर कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समूह बनाकर मुद्दों पर लगातार चर्चा करना सबके लिए एक अच्छी शुरुआत है। इससे हमें समझ आता है कि हमारी समस्याएं केवल हमारी नहीं है और इन्हें एक साथ मिलकर समुदाय के स्तर पर हल करने से सबको मदद मिलती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने मानव अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, चाहे वो कानून के माध्यम से हो या समूह बनाकर या छोटे छोटे तरीकों से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर। शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने अधिकारों के बारे में बातचीत शुरू करें। ये दुनिया में बदलाव लाने के लिए पहला कदम हो सकता है। तो आप सब कब और कैसे ऐसी बातचीत शुरू करने वाले हैं? आइए सब मिलकर बोले, अपने अधिकारों को हमने जाना है, अब सबको इनके बारे में बताना है।